लगभग दो वर्ष के अंतराल के बाद इस वर्ष पुनः खासदा सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से आगामी 28 अक्टूबर से 3 दिवसीय सांसद ट्रॉफी एकांकी स्पर्धा आयोजित की जाएगी। नागपुर जिले की 24 टीमों ने इसके लिए पंजीयन किया है। खासदा सांस्कृतिक महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सोले ने यह जानकारी पत्रकार परिषद में दी। उन्होंने बताया कि देश की आज़ादी 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का आंदोलन स्पर्धा का विषय होगा। 28 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे बहुजन रंगभूमि की एकांकी न्यू होप ऑफ इंडिया से स्पर्धा की शुरुआत साइंटिफिक सभागृह में होगी। सुबह 10 बजे संस्कार भारती के अध्यक्ष कांचन गडकरी के हाथों स्पर्धा का उद्घाटन होगा। समारोह की अध्यक्षता वनराई के अध्यक्ष गिरीश गांधी करेंगे। पुरस्कार वितरण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों 31 अक्टूबर को शाम को सुरेश भट्ट सभागृह में होगा। कार्यक्रम में फिल्म अभिनेता मकरन अनासपुरे, अभिनेत्री सुकन्या मोनी और देवेंद्र दोड़की उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंजुषा पाटिल और आनंद भाटे नाट्य संगीत की प्रस्तुति करेंगे। पत्रकार परिषद में समिति के सचिव जयप्रकाश गुप्ता, मधु पांडे, बाल कुलकर्णी, संजय गुलकरी, राजेश बागड़ी और रेणुका देशकर आदि उपस्थित थे। सभी एकांकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करने का निर्णय आयोजन समिति ने लिया है। प्लेक्सिमो ऐप के जरिए दुनिया भर के दर्शक एकांकिया देख सकेंगे। इस स्पर्धा में 24 एकांकिया प्रस्तुत की जाएगी। इनमें से 9 हिंदी है। पहले दिन 7, दूसरे दिन 9 और तीसरे दिन 8 एकांकियों की प्रस्तुति होगी। महोत्सव समिति च्या वतीने येत्या 28, 29, 30 ऑक्टोबर ला हिंदी आणि मराठीतील एकांकिका स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। याचं उद्घाटन 28 तारखेला सकाळी 10 वाजता संस्कार भारतीच्या अध्यक्षा आदरणीय सु कांचनताई गडकरी यांच्या हस्ते आणि आदरणीय डॉक्टर गिरीशजी गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे। या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र राज्य नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष श्री नरेशजी गडेकर हे उपस्थित राहणार आहेत। त्यानंतर ताबडतोब एकांकिका स्पर्धांना 11 वाजतापासून सुरुवात होईल। पहिली एकांकिका जी आहे ती न्यू होप ऑफ इंडिया अशी पहिली एकांकिका आहे। 28 तारखेला 7, 29 तारखेला 9 आणि 30 तारखेला 8 अशा 24 एकांकिकांचं सादरीकरण आणि या ठिकाणी होणार आहे। कोरोना महामारीनंतर मखमली पडदा हा पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्पर्धांच्या रूपाने नागपूर शहरामध्ये उचलला जातो आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।